यूपी के जिला बरेली में आंवला कस्बे में तड़के दुस्साहसिक वारदात अंजाम दी गई। ठेकेदार मोहम्मद अकरम जिस वक्त दूसरे नमाजियों के साथ फजर की नमाज के लिए नियत बांधे मस्जिद में खड़े थे, पीछे से उन पर हंसी से कई वार किए गए। वो जमीन पर गिर गए। गिरने और चीखों की आवाज पर इमाम साहब के साथ नमाजियों ने भी नियत तोड़ दी। देखा तो अकरम जख्मी थे। नमाज में उनके साथ ही छोटे भाई मोहम्मद कासिम भी मौजूद थे। वो फौरन ही बड़े भाई को उठाकर इलाज के लिए CHC ले गए। हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना तड़के 6:45 मोहल्ला अंसारी चौक की नई मस्जिद की है। हमला करने वाले की पहचान कर ली गई है और घायल ठेकेदार का तहरा भाई उनकी बहन का देवर है। घटना के पीछे बहन धनोई का विवाद बताया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करने के लिए मोहम्मद हुसैन के खिलाफ तहरीर दी गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि घायल ठेकेदार उनके भाई ने दरिदर हिंदी से बातचीत में क्या कहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम जी कहाँ रहते हैं आप? मैं औला रहता हूँ। अच्छा, क्या किसने मारा था, क्या वजह रही? मैं सुबह मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ रहा था। नमाज जैसे ही शुरू हुई थी पीछे से एक लड़का आया जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है। उसने ये धारदार चीज से 3 बार की जिससे बहुत ज्यादा आदमी गहरे जख्म हो गए। क्यों मारा था, क्या वजह रही थी? थोड़ा संधि टाइप का है। कौन है आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार? मेरा चचेरा भाई लगता है। अच्छा। हालांकि मेरा घर उससे काफी दूर है। पता नहीं क्या क्यों मारा उसने, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कब की घटना है ये? आज सुबह। कोई पुरानी रंजिश वगैरह भी रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। उनका मकान अलग है, मेरा मकान अलग है, थोड़ा दूर रहते हैं। मेरा काम और कारोबार अलग है। किसी ने और ने भेजा हो तो कोई राजनीतिक रंजिश किसी से रही हो, उसने किसी ने पैसे लेके भेजा हो, क्या हो ये मैं नहीं कह सकता। पुलिस जांच करके पता लगाएगी। कोई पकड़ा गया तब? अब मैं मुझे जानकारी नहीं इस बात की। कोई लिखित शिकायत दी आपने? जी, मैं थाने गया था सबसे पहले, तो ऑल ऑफ CHC गया था। CHC से मुझे यहाँ बरेली रेफर कर दिया गया। कहाँ कहाँ चोट आई है आपकी? बैक साइड में, मेरे सिर में 3 जगह बहुत गहरे जख्म काफी ज्यादा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। क्या हुआ था कासिम, किससे विवाद हुआ था? हमारा कोई विवाद नहीं था। हम सुबह मस्जिद में गए थे, 6:45 नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते थे, अचानक से हमला हुआ, चुट से आवाज आई, जिससे सभी मस्जिद में नमाज लोग समझे कि कोई गिर गया। पीछे मुड़ के देखा तो हमारे भाई को खींच के ले गया और एक हंसी पहले में सिर में मार दिया था और दो हंसी और मारे, जिससे एक सिर में वार हुआ और एक गाल की खाल लेता था। किन्ने वार किया था, क्यों वार किया? मोहम्मद हुसैन। क्यों वार किया? हमारे बहन उसके भैया घर में है, उनके आपस में विवाद रहता था। अच्छा, किस चीज़ का विवाद रहता है? वो आपस में ही रहता है, उनका घर में पति पत्नी के पीछे पैसों के पीछे आपस में रहता है, हमारे बहनों में और दोनों में। फिर क्या हुआ था? फिर कुछ नहीं हुआ था। 4-5 साल पहले उसने घर के सारे किवाड़ तोड़ दिए, हमारी बहन को भी मारने को आया था, तो हम अपनी बहन को घर बुला लाए थे, हमारे भाई आ गए। बस वही रंजिश मान लिया था वो, और चौक पर खड़े होकर दारू पी गाली रखता है बजे में। कहाँ पर मारा था? नहीं, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए जमात खड़ी हुई, तुरंत उसने आके पीछे से हंसी मारा। थाने में तहरीर दी आपने? थाने में तहरीर दे दी। कोई पकड़ा गया अब तक? नहीं, पकड़ा नहीं गया।